हमारे साथ मौजूद हैं सीपी जोशी जी, जो कि बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, बीजेपी ने अपने 124 योद्धा उतार दिए, किस तरीके से देख? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 124 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और पूरे राजस्थान में जनता में भी और कार्यकर्ता में एक उत्साह का वातावरण है। लोगों के मन में है कि इस बार कमल के फूल को खिलाना है, लोग कमल को जिताएंगे, और क्योंकि मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर लोगों का विश्वास है। भाजपा आएगी, सुशासन लाएगी, भाजपा आएगी, नारी की सुरक्षा करेगी, भाजपा आएगी, राजस्थान के विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाएगी, भाजपा आएगी, किसानों की समृद्धि लाएगी, भाजपा आएगी, युवाओं को रोजगार में अवसर देगी। यही एक विश्वास राजस्थान की जनता का है, क्योंकि 5 सालों में जिन वादों के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी करने के अलावा, झूठ और लूट की सरकार चलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसलिए राजस्थान की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। सर, एक सवाल और, जिस तरीके से मोदी जी ने महिला बिल आरक्षण पेश किया था, अब महिलाओं को, अगर दोनों पार्टियों ने काफ़ी दावे भी किए थे चुनाव से पहले कि हम महिलाओं को काफ़ी तरजीह देंगे, लेकिन इस बार आप देखते हैं 124 बीजेपी के प्रत्याशी देख लीजिए, 33 कांग्रेस के देख लीजिए, लेकिन इतना महिलाओं को नहीं दिया गया तरजीह। देखिए, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से जो कहा वो करके लिखाया। माननीय मोदी जी ने महिला बिल आरक्षण अभी आया, लेकिन 2014 से महिला कल्याण के लिए और उनकी समृद्धि के लिए, सशक्तिकरण के लिए काम किए, जो 60 साल में नहीं हो पाए। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है, पंचायत राज और नगर निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही महिलाओं को रिजर्वेशन देकर आगे बढ़ाने का काम किया। आज विधानसभा में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नारी शक्ति सबसे आगे है, लोकसभा में भी इस प्रकार देखेंगे आने वाले समय में, और नारी शक्ति की समृद्धि का। सर, अभी बीजेपी ने अपनी पहली सूची के अंदर 41 उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से 7 सांसद थे, 7 में से 6 का विरोध हो रहा है, लेकिन जो अभी कुछ ऐसे सांसद है जिनका अभी भी विरोध चला, उस तरीके कैसे निपटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में है, स्वाभाविक है कहीं कहीं कोई बात होती है, लेकिन एक परिवार के रूप में सब लोग मिल बैठकर बात करेंगे और सब लोग कमल के फूल के लिए लगेंगे। सर, अगर बात की जाए दूसरी सूची की, तो दूसरी सूची के अंदर जैसे नरपत सिंह राजवी हैं, उनको चित्तौड़गढ़ से आपने उतारा है, लेकिन वहाँ पे भी जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है, सामूहिकता से निर्णय होते हैं, और मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में राजस्थान की जनता कमल के फूल के ऊपर, कमल के ऊपर विश्वास है, मोदी जी के ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। कई किन्हीं परिस्थितियों में कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास। तीसरी सूची कब तक आएगी? बहुत जल्दी। ये थे सीपी जोशी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, वो अपने जो कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेगी और उन्हीं के दम पर राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।